अब देखते हैं जो एक रेंज 81-80 से 82-80 के बीच की थी उसके अपर एंड पे काम काज कर रहे हैं तो क्या यहां पर टिक पाता है बाजार की नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल लेवल है 82-80 से 82-90। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर आज हलचल है उसमें बीपीसीएल, इस स्टॉक पे मूव काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। हिंडालको, टाटा मोटर्स और भारती इंफ्राटेल जैसे जो स्टॉक्स हैं ये इस समय ट्रेडर्स के रडार पर, निफ्टी पे सबसे ज्यादा चढ़ने वाले स्टॉक्स ही हैं। लेकिन स्मॉल कैप में कहां एक्शन है वो देखते हैं स्मॉल कैप रडार। चलिए आज चीनी शेयर्स की बहुत स्ट्रांगली शुरुआत हुई है, तेजी देखने को मिली है और इनफैक्ट सभी शुगर स्टॉक्स जो एक्टिव हैं। कल के शो में आपको बताया गया था कि जो शुगर स्टॉक्स हैं स्पेशली जो यूपी की चीनी मिले हैं वहां पर अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है और जब बाजार खुला तो उसके बाद तेजी पकड़ गया पूरा ही पैक। बलरामपुर चीनी, धामपुर, द्वारिकेश, उगार शुगर, पोनी शुगर, कोठारी शुगर, आज पूरा ही एक्शन इस समय शुगर स्पेस पे देखने को मिल रहा है और रिटर्न्स बहुत स्ट्रांग है। 7-8% के रिटर्न, 10% तक के रिटर्न्स मिल चुके हैं स्टॉक पे एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, तो स्ट्रांग कमाई शुगर स्टॉक्स में हुई। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों से एक्शन में है उसमें एक स्टॉक है एटलस साइकिल। देखिए चुनाव नजदीक है और उसका इंपैक्ट तो एटलस साइकिल पे लगभग तय था कि होगा, लेकिन अब तक के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है एटलस साइकिल और 10% की तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एमआरपीएल एक और स्टॉक जो 2008 के बाद मौजूदा स्तरों पे है और MRPL फिलहाल 5.5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। ग्लोबल वेक्ट्रा एक और स्टॉक बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल वेक्ट्रा 44% बढ़ा है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में, तो यहां पर मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और एक स्टॉक है हरक्यूज होस्ट जिसमें 19% का इजाफा मात्र 3 ट्रेडिंग सेशन में है, तो ये कुछ काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स इस समय मार्केट्स पे काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। सीक्वेंट साइंटिफिक एक और स्टॉक जो 7 रोज से लगातार तेजी के मोड पे। मेरे साथ इसमें बाजार पे बात करने के लिए प्रदीप हरचंदानी साहब मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो निफ्टी पे बताएं ये क्या 82-80 82-90 आपको आसानी से क्रॉस होता नजर आता है आज के ट्रेडिंग सेशन में? शुक्रिया रजत, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। 7900 के लेवल पे एक डबल बॉटम बनाने के बाद निफ्टी ने एक 400 पॉइंट की क्विक रिकवरी दिखाई है पिछले 7-8 सेशन में और ये वापस इसी लेवल पे आ गया है जहाँ पे दिसंबर का टॉप बना था 8275 और 200 DMA इसको रेजिस्ट कर रही है 8286 पे। तो ये जो 10-15 पॉइंट की रेंज है वो काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है और 3 दिन से निफ्टी लगातार इसी के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है, तो बहुत ही क्रूशियल होगा इसको पार करना निफ्टी के लिए, फर्दर अप मूव के लिए। ये डिसाइसिवली क्रॉस होता है 8275 8290 के ऊपर निफ्टी बंद आता है तो फिर हम एक नेक्स्ट अप मूव देख सकते हैं जो इसको 8400 8450 तक ले जा सकती है। फिलहाल एक इमीडिएट सपोर्ट जो है अर्ली चार्ट्स पे 8200 पे है जिसके स्टॉप लॉस से हम लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस तो जरूर से दे रहे हैं पर फ्रेश लॉन्ग्स के लिए 8275 8290 का रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चीनी स्टॉक्स पे कुछ एडवाइस किया आपने क्लाइंट्स को, आज बहुत स्ट्रांगली खरीदारी है और कल जो हम खबर चला रहे थे वो थी ये, इसी शो में बताया गया था कि हो सकता है कि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी का फैसला इस समय एटलीस्ट ना ले क्योंकि इलेक्शंस बहुत नजदीक हैं। अब चीनी शेयर्स पे बहुत स्ट्रांगली खरीदारी बढ़ती चली जा रही है, क्या किया जाए, मोमेंटम क्या और जनरेट होगा? बिल्कुल, और चीनी शेयरों में ये तेजी इसलिए भी सस्टेनेबल लग रही है कि करीबन अगस्त में जो प्रीवियस स्टॉक बना था उसके बाद मोस्टली सारे चीनी स्टॉक्स ने एक अच्छा कंसोलिडेशन का फेज देखा है 2-3 महीने का और फिर वहां से एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये रैली रिज्यूम हुई है, तो हमारे पास एक आइडेंटिफाइबल स्टॉप लॉस लेवल्स है जो इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल्स है। हमने अपने क्लाइंट्स को बलरामपुर चीनी और राष्ट्रीय शुगर रेकमेंड किए और मेरे हिसाब से ये ड्यूरेबल मूव है, अभी भी यहाँ से भी और मेरे हिसाब से थोड़ी सी और अपमूव कुछ दिनों तक और देखी जा सकती है, तो जो भी लॉन्ग पोजिशन है ट्रेलिंग मोमेंटम किसी भी लिहाज से रुक नहीं रहा है, क्या किया जाए एटलस साइकिल पे जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है वो क्या करें? देखिए ऑलरेडी अच्छे रिटर्न दे चुका है पिछले करीबन 8-10 सेशन में, मैं अगर देखूं तो 320 के लेवल से ये ऑलरेडी स्टॉक्स 550 पे आ गया है, हमको लगता है कि ये 580 तक जा सकता है। ओवरऑल जो मंथली चार्ट्स पे पैटर्न बन चुके हैं और इस लेवल पे एंटर होना काफी रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से इतना फेवरेबल नहीं है, तो जो भी लॉन्ग पोजिशन है वो होल्ड जरूर कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ पे क्योंकि स्टीप अप मूव है इसलिए सपोर्ट थोड़ा सा दूर है 470 के आसपास आता है, उसी का एक स्टॉप लॉस लगा लिया जाए जो भी लॉन्ग पोजिशन ऑलरेडी है और 580 के आसपास इसमें थोड़ा सा बुकिंग करना चाहिए। ग्लोबल वेक्ट्रा में लगातार पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक का जिक्र कर रहा हूं और इसकी रफ्तार रुक नहीं रही है, 6 ट्रेडिंग सेशंस में 44% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है, अभी क्या अपने प्रॉफिट को समेट लेना चाहिए या फिर ग्लोबल वेक्ट्रा और चढ़ेगा? प्रदीप जी
जी ऑसिलेटर्स तो अभी भी पॉजिटिव जा रहे हैं, कोई नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं है। आरएसआई भी प्राइस के साथ साथ नए टॉप्स बना रही है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही है कि जो अपना इसका जो जनवरी 2016 का टॉप था 148-149, इसको ये छू सकता है। पर इसी में भी यही है कि काफ़ी अच्छी बढ़त इसने चार सेशन में देख लिए, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड जरूर से किया जा सकता है। 110 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट आएगा और 148-149 एक मेजर टारगेट लेके चल सकता है। चलिए, लेकिन OMCs देखते हैं इस समय क्या कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो बहुत स्ट्रांगली आज इन स्टॉक्स पे देखने को मिली थी और 3% ऊपर है BPCL इस समय दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब। आज दिन पे 676 का इसका हाई है और अभी फिलहाल 672 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। और साथ ही IOC जैसे स्टॉक्स, HPCL, इन सभी स्टॉक्स की मजबूती आज इंट्राडे में शुरुआती सत्र में ही बन चुकी है। संदीप मेरे सहयोगी अपडेट लेके मौजूद है। संदीप, बताएं इतनी बड़ी तेजी के पीछे कारण क्या? देखिए, एक स्पेशल डिविडेंड क्या अनाउंसमेंट हो सकता है OMCs की ओर से, ऐसा बाजार में बातचीत या तो फिर खबरें चल रही हैं कि OMCs का जो डिविडेंड पे आउट है पिछले साल के मुकाबले उसमें 2 गुना के आसपास की जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। बीते साल की अगर आप बात करें तो करीब 8,120 करोड़ रुपये के आसपास का जो डिविडेंड है वो इन तीनों कंपनियों ने मिला के उसका भुगतान किया था। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से इन कंपनीज के जो प्रॉफिटेबिलिटी है पहले 6 महीने में वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिली है। केस इन पॉइंट आप SPCL को लीजिए, 2,800 करोड़ रुपये के आसपास के प्रॉफिट क्लॉक किए हैं पिछले साल की पहली छमाही के मुकाबले, करीब 116% के आसपास की बढ़त इसमें देखने को मिली है। इसी तरह से IOC का मुनाफा पहले हाफ में इस साल अगर आप देखें 85% के आसपास की ग्रोथ आई और BPCL के मुनाफे में करीब 16% के आसपास की बढ़त आई है। तो इन स्ट्रांग फाइनेंशियल्स को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से इनके GRMs में लगातार इंप्रूवमेंट हो रही है और क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस वजह से सरकार ने इन कंपनी को निर्देश दिए हैं कि इस साल जो डिविडेंड पे आउट है उसमें बढ़ोतरी की जाए और 15,000 से 16,000 करोड़ रुपये के आसपास के जो डिविडेंड पे आउट है उसकी मांग सरकार की ओर से इन कंपनियों के लिहाज से की गई है। दरअसल अगर आप देखें PSU कंपनियों को मोदी सरकार आने के बाद जो निर्देश दिए गए थे कि इनका जो टोटल प्रॉफिट होता है उसका 30% जो अमाउंट है वो डिविडेंड के तौर पे दिया जाए, या तो फिर इनका जो नेटवर्थ है उसका 5% हिस्सा जो है वो डिविडेंड के तौर पे इन कंपनी को देना है। इन दोनों में से जो भी रकम हायर होगी, और खास तौर पे OMC जिस तरह से इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है, हो सकता है ये जो शुरुआत है इस साल, चूंकि सरकार अपनी जो टैक्स किटी है वो बढ़ाना चाहती है क्योंकि प्राइवेट जो कैपेक्स साइकिल है वो इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो जो मोस्ट ऑफ द स्पेंडिंग है वो दरअसल सरकार की ओर से आएगी और OMCs से जिस तरह से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है माना जा रहा है कि जो शुरुआत है स्पेशल डिविडेंड की या तो फिर जो डिविडेंड में बढ़त की जो शुरुआत है वो दरअसल OMC स्पेस से होगी। उससे बाद माना जा रहा है कि सारा जो PSU स्पेस है उससे सिमिलर तरह जो मांग है वो सरकार की ओर से की जा सकती है। यही कारण है कि OMCs में आज तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट PSU शेयरों में तो पिछले कई दिनों से आज जो तेजी का रुझान है वो देखने को मिला। बिल्कुल सही, PSU स्टॉक्स जो है पिछले कुछ दिनों से बहुत बज कर रहे हैं और OMCs कल के सत्र में टूटी थी लेकिन आज दोगुनी रफ्तार से निचले स्तरों से रिटर्न्स डिलीवर कर रही है। HPCL, BPCL 3% ऊपर, IOC में 2% की तेजी बन चुकी है। प्रदीप जी, आप ट्रैक कर रहे हैं OMCs को राइट नाउ? जी बिल्कुल, BPCL में अगर आप देखें तो इसने जो अक्टूबर में 688 का हाई बनाया था तो परसों इसी लेवल के आसपास आके इसमें करेक्शन आया था, तो BPCL में ना वे एक डबल टॉप फॉर्मेशन इन प्लेस है। 688 का जो टॉप है उसका क्रॉस होना बहुत जरूरी है फर्दर अपू के लिए। ये अगर डिसाइसिवली ये क्रॉस कर लेता है तो फिर इसमें एक बहुत अच्छी तेजी देखी जा सकती है जो इसको 750 से 750 के लेवल तक ले जा सकता है। सिमिलरली अगर HPCL की भी बात करें तो ये भी अपनी जो प्रीवियस टॉप इसने बनाया था नवंबर में 486 इसी के आसपास आके चल रहा है, तो इसके लिए भी ये एक डबल टॉप फॉर्मेशन का एक काइंड ऑफ है सिनेरियो। 486 का क्रॉस होना जरूरी है क्लोजिंग बेसिस पे, फिर इसमें एक फ्रेश तेजी देखी जा सकती है। तो दोनों OMCs पे प्रीवियस जो टॉप्स हैं उसके क्रॉस ओवर पे नजर रहेगा। प्रदीप जी, एक स्टॉक अभी भी चलना शुरू हुआ, फटाफट से इस पे आप राय दें, एड लैब्स की मैं बात कर रहा हूँ और ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया 76-65 के स्तर पर। ब्रेकआउट के लिए कौन सा लेवल क्रूशियल होगा इस पे? देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो हम 34 DMA में ट्रैक करते हैं जो इस स्टॉक के लिए 77-20 के आसपास है। इसके अगर ऊपर ये सस्टेन करता है तो डेफिनेटली एक नया मूव इसको 80 और उसके बाद करीबन 89 के लेवल तक ले जा सकता है, तो फॉर द टाइमिंग एक इमीडिएट रेजिस्टेंस 77-20 का है उस पर नजर रहेगी। 77-20 का क्रूशियल स्तर है, उसके बाद एड लैब्स और एक्टिव हो सकता है। लेकिन हरक्यूज होस पे क्या करें, इंडस्ट्रियल मशीनरी सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है। हरक्यूज होस फिलहाल अच्छे रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है, पिछले 3 सत्रों में 19-20% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर चुका है, आपकी राय? जी बिल्कुल, और आज के सेशन में अपने 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। मेरे हिसाब से इसमें जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो करीबन 195 का आएगा, जो इसका टॉप बनाया था इसने अक्टूबर में, वो एक नेक्स्ट मेजर टारगेट लेके चल सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 200 DMA की जो मैंने बात की वो इसको एक अच्छा सपोर्ट देगी 156 के 6 पे, तो उसी के एक स्टॉप लॉस से इसमें होल्ड की राय बनती है। अच्छा, दो फार्मा से जुड़ी कंपनी सीक्वेंट साइंटिफिक और एक है विमता लैब्स, दोनों में से बेहतर ट्रेड कौन सा है?
देखिए विमटा लैब पे नजर आएगी, ये आज इनफैक्ट मेरे एक पसंदीदा शेयर में भी है जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे हिसाब से इसमें मिनिमम टारगेट 120 का बनता है और उसके बाद 128 तक भी ये जा सकता है, और यहाँ पे 106 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस से विमटा लैब में बाइंग की एडवाइस रहेगी।